हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छविज फैंटास्टिक पर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं एक दिन में दो ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एक मैंने मॉर्निंग में शूट किया था और इस टाइम बज रहे हैं दोपहर के 3। मैं अभी नहा के आई हूँ और ये मैंने बहुत ही सुंदर सा सूट पहना है। इसका हॉल वीडियो मेरे चैनल पर है, अब वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं अभी आपको आउटफिट दिखाऊँगी। तो मैंने नहाने से पहले अभी मैं मतलब आधे घंटे हुए मुझे नहा के आए हुए। उससे पहले जब मैं गिफ्ट्स वगैरह घर से लेके आई थी मैंने वो सबको दिया, तो इसके बाद मैं उसकी क्लिप ऐड करूँगी तो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए पहले भी आपको अपना आउटफिट दिखाते हैं और आज दिखाएंगे आज हम लोग एग्जैक्टली क्या क्या करेंगे। ये है मेरा आज का आउटफिट, बहुत ही सुंदर सा है। ये मैंने मिंत्रा से परचेस किया था, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा ये अनारकली कुर्ता सेट है। मैंने इसमें साइज़ अपना एल मंगवाया था, अब अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, और साइज़ मुझे बहुत ही अच्छे से ये फिट भी आया। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। इसका दुपट्टा जो है वो प्योर शिफॉन का है, तो बहुत ही सुंदर वाली ड्रेस है। और यहाँ पे हम लोगों ने अपना लंच किया। लंच जो था वो सिंपल सा ही था, दाल चावल रोटी सब्जी, क्योंकि शाम को बाहर जाना था तो काफ़ी हैवी हो जाता है, इस वजह से थोड़ा बहुत ही हम लोगों ने खाया। और ये रहा भिंडी की सब्जी, सैलेड, और ये अरवी है, और रोटी, दाल चावल, ये सारी चीज़ें थी, और रायता था। उसके बाद फिर खाना वाना खा के, ये देखिए बहुत रॉकिंग चेयर मुझे मिल गई, काफ़ी मज़ा आ रहा था इस पर। फिर मैंने भैया को सरप्राइज़ दिया, सेकंड जो किकी ने बोला था देने के लिए, ये उनका सेकंड गिफ्ट है। तो इस तरह से कुछ, क्योंकि मुझे हर मोमेंट का जो वीडियो था, व्लॉग था, वो कैप्चर करना था। उसके बाद फिर भैया ने देखिए अपना गिफ्ट, अब वो अनबॉक्स करेंगे यहाँ पे। अपने बर्थडे में जो शाम को सेलिब्रेट होगा। आजा आजा, किसको देख रहे हो बुग्गू? हाय एवरीवन, तो इस टाइम बज रहे हैं शाम के 8 और बस मैं जा रही थी रेडी होने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाते हैं कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैंने 2-3 ड्रेस जो है वो रखी थी, साड़ी भी मैं लेके आई हूँ। अब ये देखते हैं कि पहनेंगे क्या। तो चलिए फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं, वहाँ की सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, मतलब छोटे छोटे सरप्राइजेज जो हैं वो मैंने भैया को देना स्टार्ट किया, क्योंकि किकी ने ऐसा बोला था कि भाभी ऐसा ही करिएगा। तो बस चलिए फटाफट से रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं और बस ब्लॉग पे बने रहिएगा। ये रहा मेरा आज का लुक। ये ड्रेस मैंने अमेजोन से ली थी, लिंक आपको चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लीजिए। और ये देखिए रहे हैं साईं, हम दोनों मस्त एकदम अच्छे से अपना रेडी हो गए हैं, अब बस निकलेंगे हम लोग। हाय एवरीवन, तो बस अब हम लोग रेडी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बस फटाफट से निकलेंगे। और चलिए आपको सबसे पहले अपना लुक दिखाते हैं और फिर बाकी बातें फिर वहीं चलते। तो यहाँ पे हम लोग निकल लिए हैं जहाँ पे हम लोग को जाना है, आई थिंक मोगा करके कोई पंजाबी ढाबा या रेस्टोरेंट, आई डोंट नो क्या है, वहीं हम लोग जा रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग लोकेशन पे पहुँचे, मतलब अप्रॉक्सली हम लोगों को 45 मिनट्स 1 आवर लग गया था यहाँ पहुँचने में। यहाँ पे मतलब ये बहुत ही छोटी सी जगह, छोटी क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सोचिए स्टारबक्स तक है, काफ़ी अच्छी बात है ये, और बहुत डेवलप है ये एरिया। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए और ये सबसे पहले मैंने पिया यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी, और सब लोग देखे यहाँ पे हैं, बाकी जो लोग बचे हैं वो दूसरी कार से आ रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, और टेस्ट की बात करें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, टेस्ट वाज बहुत ही ऑसम था। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, बहुत अच्छी मतलब चूगन वगैरह, ये इसी में तो रहता है, यही वाला है, नहीं उसका पैकेट में रहता है। तो हम लोगों ने ये सारी सॉफ्ट भी ले लिया जाके, हाँ 130 और यह मावट। यहाँ पे देखिए इसका वॉशरूम कितना अच्छा वॉशरूम है, एग्जैक्टली यार मतलब मज़ा आ गया देख के। फिर यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन जो है
वो स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने बाहर का ही रखा था। और ये देखिए सारे केक वगैरह जो थे वो अरेंज हो रहे थे। भैया का नाम लव है तो LOVE फोर लेटर्स पूरे पूरे हम लोगों ने। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मैं नीचे आईडी मेंशन करी हूँ, वहाँ जाके मुझे फॉलो करियो। और ये सारी जो वीडियोस की जो रील्स है वो बहुत ही ऑसम सेलिब्रेशन था, ये सब आपको वहीं जाके देखने को मिलेगा। और ये सारे गिफ्ट्स वगैरह जो थे वो सारे अरेंज कर दिए थे मैंने। और ये साइड में फायर गन वगैरह थी, काफ़ी यार इंटरेस्टिंग सा होने वाला था, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था और बहुत ही ऑसम हुआ सेलिब्रेशन। एग्जैक्टली मज़ा आ गया देख के। मतलब जो भी अरेंजमेंट हम लोगों ने की थी, मैंने क्या मतलब साई ने और किक्की ने जो भी अरेंजमेंट की थी वो बहुत ऑसम थी। और ये रहे देखिए सिद्धम कितना प्यारा लग रहा है ना, क्यूट सा एकदम। और यहाँ पे यार पता है इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी ना बारिश होना भी शुरू हो गई थी, तो ये हुआ कि फटाफट से पहले केक वेक कट कर लिया जाए। सेलिब्रेशन वॉज वेरी गुड, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोग ने। हम लोग रात के 1:30 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। और अभी आगे भी जो है एक दो सरप्राइजेज उनके लिए और बाकी हैं, और यही सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। और डिसाइड हो रहा था कि कैसे कैसे अरेंज करना है सब कुछ, कैसे खड़े होना है सबको। और ये देखिए सिद्धम का थोड़ा सा क्लोज़अप लेते हुए, बहुत क्यूट लगता है ये, बहुत प्यारा लग भी रहा था एग्जैक्टली उस दिन। और ये सारी देखिए कैंडल वगैरह जो है वो सब, मतलब यार पता है आइडिया तो है नहीं यहाँ का कि यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं क्या नहीं मिलती हैं। जितना भी पॉसिबल हो पाया बहुत ही हद तक अरेंज करने की कोशिश की गई थी इस चीज़ को। और ये मतलब हम लोग बस फैमिली के ही लोग थे, मतलब मेरे साइड से मैं और साईं गए थे, और बाकी भैया के साइड से पूरी उनकी फैमिली है, मामा मामी ये सारे लोग, उनकी मम्मी दीदी। ये देखिए ये फायर गन, वाओ कितना अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आई थी, बहुत मज़ा आया देख के, बहुत ऑसम सेलिब्रेशन था। उसके बाद फिर हम लोग हमने केक वेक खिलाया एक दूसरे को। और ये देखिए एक और ये साइड में था जिसकी लाइटिंग काफ़ी मस्त थी, मतलब बड़ा मज़ा आया ये सारी चीज़ें देख के। फिर ये देखिए हम लोगों ने जब हम लोग वहाँ से निकले तो रोड साइड जाके भी वहाँ पे कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया था। सनरूफ अब भैया ने अभी ये रिसेंटली कार परचेज़ की है, महिंद्रा XUV 300, ओपन रूफ है ये, बहुत ही ऑसम है। फिर घर आके भैया ने ये सारा देखिए गिफ्ट्स वगैरह जो किक्की ने दिया था उनको, वो सारा वो बैठ के ओपन कर रहे हैं एक एक करके। ये एक एक्साइटमेंट लेवल बहुत अलग होता है, क्योंकि किक्की ने मुझसे बोला था कि भाभी आप हर मोमेंट की वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा व्लॉग के साथ साथ। तो बस ये सारी चीज़ें थी और फिर हम लोग सोने चले गए थे। हाय एवरीवन, तो इस टाइम मैं आपको बताऊँ सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अभी हम लोग बैठ के मूवी देख रहे थे। तो बस अभी मूवी देख के रूम में वापस से आए हैं और अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए। तो 4:30-5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, वही 10 बजे के आसपास मैं उठूँगी। तो घर आने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बस चेंज वेंज किया था और फिर फटाफट से मैंने बस बैठ के हम लोग मूवी देख रहे थे। तो मैंने सोचा आप लोगों को इस व्लॉग को एंड जो है वो दे देते हैं। कल जो नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरा वो कल मॉर्निंग से स्टार्ट होगा, जब मैं सो के उठूँगी तब से। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले, तो चैनल पे बने रहिएगा। और मैं भी शायद कल हम लोग कहीं और भी जाएंगे तो फिर वहाँ का भी आप लोग साथ व्लॉग शेयर करेंगे जो भी अपना एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन।